नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह, स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और ये जो सीरीज चल रही है हमारा भारतीय संविधान, भारत की राजव्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको आपने इसे पढ़ लिया तो आपको कहीं से संविधान अलग से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आज हमारा पांचवा चैप्टर है, माफ कीजिएगा छठा चैप्टर है, और छठा चैप्टर जो है जिसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे नागरिकता पे यूट्यूब पे, सबने जो है कुछ लाइंस में इसे बता दिया है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत के संदर्भ में अगर आपको नागरिकता पढ़नी हो तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ये बुक मेरी पुरानी बुक है, और मैं क्यों कहता हूं कि आप लेटेस्ट बुक लेके बैठिए, क्योंकि इसमें 2019 में जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो बदलाव किया था, संशोधन किया था, नौवां संशोधन, उसका जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि उससे पहले ये बुक जो है वो प्रिंट हो गई थी। तो भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है और भारतीय नागरिकता का त्याग कैसे होता है, हो सकता हो कि इसके बारे में आप लोग कुछ लाइंस जानते हो, लेकिन पूरी लाइंस नहीं जानते, पूरी बात नहीं जानते, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे और नोट्स भी बनाएंगे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में नागरिकता चैप्टर संबंधित, अध्याय संबंधित चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो अब छोटे से कुछ शब्दों में बता दूं कि अभी जो है, जब देश आजाद हुआ था और देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, उसमें जो है कुछ प्रावधान दिए गए थे जिसके मुताबिक जो है देश में ये व्यवस्था की जा रही थी कि देश के नागरिक को कैसे जो है सर्टिफाइड किया जाए, कैसे प्रमाणित किया जाए कि हाँ ये देश के नागरिक है, नागरिक कैसे बनाया जाए और नागरिकता कैसे उनको नागरिकता के श्रेणी से हटाया जाए। उस 1955 के अधिनियम में अभी तक 9 बार संशोधन हो चुका है, टोटल जो है 9 बार अभी तक इसमें संशोधन हो चुका है, 9 बार का इसमें जिक्र दिया हुआ है, 57 में, 62 में, 66 में, 85 में, 92 में, 2003 में, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2015 में, फिर 2019 में, जिसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। तो अभी तक 2019 से पहले जो जिक्र चल रहा था वो पूरा चल रहा था कि 2055 का जो अधिनियम था उसमें पूरा सुधार हुआ था, उसके अनुसार चल रहा था 8 बार सुधार के बाद। 2019 में बीजेपी की सरकार ने क्या किया कि उसमें एक और संशोधन कर दिया, मुस्लिम शब्द को छोड़कर हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ये सब लोग जो हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र, क्योंकि वहां उन पर बहुत जुल्म हो रहा था, तो वैसे राष्ट्र जब वो भारत में आएंगे तो वो उनको नागरिकता मिलेगी। एक डेट फिक्स किया गया कि इसके बाद अगर वो यहां आए हों और इतने सालों तक रहे हों तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उसका प्रावधान मैंने अलग से इस चैप्टर में ऐड किया है। तो पूरा का पूरा हम लोग नागरिकता इसमें पढ़ने जा रहे हैं, सारी चीजें, इसका क्या महत्व है और किस प्रकार हमें मुख्य परीक्षा में लिखने की आवश्यकता है, सब कुछ हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। तो नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए मैं सीधे आपको अपने नोटबुक पे ले चलता हूं और देखते हैं कि हमने उसमें क्या क्या चीजें कवर की हैं। उन सब के अलावा एक ओसीआईसी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो कि अब ओसीआईसी हो चुकी है, पहले ओसीआई थी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, अब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर आ गया है, ओसीआईसी आ गया है। क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में कि इसमें विदेशी नागरिकों को कैसे नागरिकता मिलती है और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अधिकार मिलते हैं, कैसे नागरिकता छीन ली जाती है या परित्याग किया जाता है, कैसे उन्हें वंचित किया जाता है, उच्चतम न्यायालय का इसमें क्या रोल है, सब कुछ जानेंगे इस चैप्टर में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है नागरिकता, आपने बहुत पढ़ी है ना मोटे तौर पर, आज थोड़ा पतले तौर पर पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको नोटबुक पे लेके चलता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आ गया हूँ अपनी नोटबुक पे, और आज हम छठा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नागरिकता। ये देखिए दूसरा चैप्टर है, तीसरा है, सीधे हमें चलना है कहाँ, छठे चैप्टर पे। छठा चैप्टर क्या है, नागरिकता। नागरिकता के बारे में आपने बहुत सारे छोटे मोटे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन यहाँ जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ना एक अलग अनुभव दिखाता है, एक अलग चीज है ये। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में पढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं कि नोट्स में हमने कैसे इसको मेंशन किया है। मैं बुक को यहां साइड रख देता हूं, थोड़ा सा ब्राइटनेस घटा देता हूं, आपको आसानी रहेगी इसको समझने में।
अब देखिए, नागरिकता छठा चैप्टर अनुच्छेद आता है 511 भाग दो में। जी हाँ, भाग एक अनुच्छेद एक में क्या था, संघ एवं इसके क्षेत्र। अब है नागरिकता, नागरिकता आती है पांच से अनुच्छेद पांच से अनुच्छेद 11 भाग है दो। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसके अर्थ एवं महत्व को पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है नागरिकता, कैसे मिलती है, एक छोटा परिचय, संवैधानिक उपबंध संविधान में इसके लिए क्या रखा गया है, उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955, हालांकि 1955 में 9 बार संशोधन हो चुका है, इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नागरिकता अधिनियम 2019 इसको पढ़ेंगे, दोनों को टैली करेंगे कि दोनों में से बदलाव कहां हुआ। ये जो है नागरिकता अधिनियम 2019, ये जो मेरी किताब है, मैं आपको कहता हूं कि आप लोग अपडेट किताब लीजिए, मेरा ये ओल्ड बुक है, और ये अधिनियम कब आया था, 2019 में, ये मेरा जो है 2019 में आया था, और 2019 में ये बुक उससे पहले जो है छप चुकी थी, उससे पहले जो है यह बुक छप चुकी थी, जिसकी यहां लिखा हुआ है 2017 कॉपीराइट 2017 है ना, यानी 2017 तक का इंफॉर्मेशन इसमें है, यानी 2019 का इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, तो ये मैंने अलग से समाहित किया है। ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आपने नागरिकता पढ़ा होगा, लेकिन चैप्टर पढ़ने बाद आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें जाने हैं या जान चुके हैं। तो नागरिक देश में जो लोग रहते हैं, दो ही प्रकार के लोग रहते हैं, या तो नागरिक रहते हैं, विदेशी रहते हैं। अवैध प्रवासी की हम लोग बात नहीं करते, वो कुछ छोड़ नहीं है, वो जेल में डाल जाते हैं, यानी अवैध रूप से जो भारत में आ गए हैं, या तो नागरिक होते हैं या विदेशी होते हैं। तो आइए कुछ अधिकार जानते हैं जो केवल भारतीय नागरिक को होता है ना, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान जो है उसके आधार पर विभेद में विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 15, यहां ये जो मैंने फिगर लिखा है ये 15, ये अधिकार जो है ये मूल अधिकार में आता है और ये भारतीयों को मिलता है। लोक नियोजन में क्षमता, यानी जो जितने भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं या रोजगार योजनाएं हैं या लोकल स्थानीय तौर पे जो भी योजनाएं हैं, उन सबका लाभ में बराबरी किसको मिलता है, केवल भारतीय नागरिकों को। उसके बाद वाक, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ संचरण, संघ संचरण मतलब कोई आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, निवास आप कहीं भी रह सकते हैं, व्यवसाय कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, सबकी स्वतंत्रता किसको मिलती है, केवल भारतीय नागरिक को, विदेशियों को नहीं मिलती है, अनुच्छेद 19 में है ये। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा, उन अनुच्छेद 20-23, ये सब मूल अधिकार का पाठ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन जान लीजिए कौन सा अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिक को मिलता है, तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान तथा लड़ना, ये कौन कर सकता है, केवल भारतीय। संसद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता किसको मिल सकती है, केवल भारतीय को। ये सब टॉपिक आप अभी ध्यान में रखिएगा, तो आगे जब हम ओसीआईसी पढ़ेंगे, ओसीआईसी यानी ओवरसीज सिटीजनशिप, यानी विदेशियों को भी कभी कभी टेम्पररी नागरिकता मिलती है, उस समय भी यही सब अधिकार रहता है जो उनको नहीं मिलता है, जो उनको नहीं मिलता है, उसके बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो ये सब टैली कर जाएगा, उससे मैच करेगा, ध्यान से समझिएगा इसको। संसद का वो सदस्य नहीं बन सकता है विदेशी, यानी केवल भारतीयों को अधिकार है, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता लेना केवल भारतीयों का अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है। सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये सब की योग्यता केवल किसको मिलती रहती है, भारतीय नागरिकों को, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो केवल केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिलती है। हालांकि जैसे प्राण की रक्षा है, तो प्राण की रक्षा विदेशियों का भी अधिकार है, वो भी मूल अधिकार है, उनको भी मिला होता है। अच्छा, नागरिकता, अब नागरिकता मिलती कैसे है, नागरिकता जो है कई प्रकार से मिलती है। देखिए, हम यहां मैंने थोड़ा सा लिखा है, लेकिन जान लीजिए कि इसमें क्या होता है, नागरिकता के लिए बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन यहां मैंने कुछ और बात लिखी है, यहां पढ़ेंगे पहले इसको। जन्म या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति की योग्यता, यानी राष्ट्रपति भारत में जो है, जन्म से अगर वो व्यक्ति नागरिक है भारत का, नागरिकता काट दीजिए, यहाँ राष्ट्रपति की योग्यता की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति या तो वैसा व्यक्ति बनेगा, या तो जन्म से नागरिक हो भारत का, या आगे जाके प्राकृतिक रूप से अगर नागरिक बन गया हो भारत का, तब भी वो राष्ट्रपति बनने योग्य हो जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में केवल जन्म से, यानी वैसा ही व्यक्ति केवल राष्ट्रपति बन सकता है जो अमेरिका में जन्म लिया है, ठीक। ये दो लाइन समझ गए। अच्छा, संवैधानिक उपबंध क्या कहता है, हम जानेंगे बाद में कि कौन कौन सा तरीका है जिससे कि नागरिकता मिल पाता है। यहां हम लोग जानेंगे संविधान में इसके लिए क्या उपबंध है। संविधान में ये आता है भाग टू में,
अनुच्छेद आता है 5 से 11 के मध्य, इतना तो समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई विस्तृत या स्थायी उपबंध नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहता है संविधान में, है ना। ऐसा नहीं कोई नियम फिक्स कर दिया गया वो परमानेंट हो गया है। संविधान निर्माण जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था उसके पश्चात क्या उपबंध है वो थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, है ना। कुछ टॉपिक जानेंगे उसके बारे में। देखिए पहला टॉपिक है कि भारत का मूल निवासी अगर वो जन्म से है, या माता पिता अगर उसके भारतीय है, या कोई एक अगर उसका भारतीय है और संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक है। ये 26 जनवरी 1950 का उपबंध है तुरंत का। अभी क्या है अभी भी जानेंगे, है ना। नया नया संशोधन आया है, ठीक। ये 26 जनवरी 1950 के जस्ट बाद की बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरा कि व्यक्ति अगर पाकिस्तान से आया है, उस समय था ना नियम, हम लोग ने पढ़ा है कि जब विलय हुआ था तो भारत और पाकिस्तान बना था, तो हुआ था कि पाकिस्तान से लोग आ सकते हैं, जो चाहे जहां रह सकता है। तो पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित, यानी पाकिस्तान अलग होने से पहले अगर भारत में रह रहा हो, यानी रशिया अमेरिका नहीं रह रहा हो भारत में, नहीं विभाजन नहीं हुआ है, अगर ऐसा है तो 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो भारत में आ गया, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, यानी लगभग एक साल पहले बाद तक भी अगर वो भारत में आ गया तो, और कम से कम 6 महीना भारत में रह गया तो वो भारत का नागरिकता ले सकता है। जैसे मान लीजिए हम पाकिस्तान से आए हैं, अभी अभी भारत देश आजाद हुआ है, अभी भी आजाद हुआ है, अभी हम पाकिस्तान से भारत आए हैं, अब हमको चाहिए भारतीय नागरिकता, क्या तुरंत मिल जाएगा? नहीं मिलेगा हमको। सबसे पहले अगर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, लेकिन अगर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका है ना, उसके बाद हमको भारत आना है, 19 जुलाई 1948 के पहले भारत पहुंच जाना है, यानी कम से कम 6 महीना पहले पहुंचना है या इस डेट तक पहुंच जाना है, और 6 महीना रहना है तब जाके हमको भारत का नागरिकता मिल पाएगा, हम उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। समझ में आ गया। अच्छा एक और नियम था कि 1 मार्च 1947 में कोई अगर भारत से पाक चला गया, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, मान लीजिए आजादी से तुरंत पहले, यानी अविभाजित भारत है, कोई कहीं जा सकता है, कोई अमृतसर से लाहौर जा सकता है, कराची जा सकता है, सब तो भारत ना आजादी से पहले, तो कोई काम से मान लीजिए गया था, बिजनेस करने गया था, कोई कारण गया था, लेकिन तुरंत भारत आ गया और 6 महीना भारत में रह गया, मान लीजिए 1 मार्च 1947 को गया और उसका 6 महीना का बिजनेस था, चाहे एक साल का मान लीजिए व्यापार के लिए गया था, हर साल एक बार आता है, कैसे हम, मैं चेन्नई में रहता हूँ, चेन्नई में एक साल में एक बार घर जाता हूँ, तो वैसे ही मान लीजिए कि एक साल में उसको आना था तो आता तो 1948 में आता, लेकिन वो किसी कारणवश गया और आया यहां पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में आने उसको पता चला जा भारत तो आजाद हो गया, हम जिस एरिया में हैं वो तो दूसरा देश बन गया, तो अगर वो तुरंत आके 6 महीने तक अगर भारत में रह गया तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी, उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ये कुछ प्रावधान थे। अच्छा कुछ और भी प्रावधान थे, ये मैं प्रावधान बता रहा हूं आपको आजादी के तुरंत बाद की, 26 जनवरी 1950 में भारत देश गणतंत्र हुआ था। अभिभावक पूर्वज, यानी कुछ गार्जियन हैं उनके पूर्वज जो अविभाजित भारत में पैदा हुए थे लेकिन भारत के बाहर रहे, रशिया अमेरिका कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन अगर वो उनके पूर्वज अगर भारत में पैदा हुए हैं तो उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, है ना। देश आजाद हो गया, हम रहते हैं अमेरिका में, लेकिन मेरे दादा परदादा सब कोई भारत में रहते हैं, हम तो फॉरेन गए हैं कमाने या पढ़ाई करने, अब यहां पर जब देश आजाद हो गया तो हम आए और हम कहें भाई अब नागरिकता हमको भी दो, हमको चाहिए नागरिकता, हमको अपने देश में रहना है, उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा नागरिक नहीं माने जाने का क्या शर्त है, देख ध्यान से सुनिएगा, ये सब माने जाने का था, ये भी उसी समय का है, आजादी के तुरंत बाद का। इसमें क्या कहा गया है कि भारत देश की नागरिकता स्वेच्छा से धारण, माफ कीजिएगा, अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से धारण कर ली हो, यानी एक बार में आप दो देश का नागरिक नहीं बन सकते, एक बार में दो देश का नागरिक, अगर आप अमेरिका के नागरिक बन चुके हैं तो भारत का अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर संसद ने कोई नियम कानून लाया, उस कानून में आप आते हैं, उस कानून के अंतर्गत अगर आप नागरिक नहीं है तो नागरिकता खत्म। तीसरा है कि भारतीय नागरिकता खुद से त्याग कर दिए, रिटर्न एप्लीकेशन देके खत्म कर दिए तो खत्म। अब यहां जाते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 का समय आ गया पढ़ने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा क्या है नागरिकता अधिनियम। जी हां, क्या है यह नागरिकता अधिनियम, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि नागरिकता अधिनियम क्या है। पहली बार संशोधन हुआ
माफ कीजिएगा 9 बार संशोधन हो चुका है, यहां मैंने 9 लिख दिया है, पहली मैंने बोल दिया था, 9 बार अब तक इसका संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 9 बार संशोधन हो चुका है। जी हाँ, 9 बार में देखिए, 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। 2019 का जिक्र जो है इसकी बुक में नहीं है, यानी 9 बार संशोधन हो चुका है। तो हम 8 बार संशोधन होने के बाद जो नॉर्मल हुआ था 2019 में, बस एक चेंज हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली जो सारे संशोधन होने के बाद क्या क्या चीजों में बदलाव हुआ और फाइनली क्या तर्क निकल के सामने आया, तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए मोटे तौर पर कि नागरिकता मिलने का मुख्य आधार क्या होता है। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीयन रजिस्ट्रेशन के द्वारा, चौथा जो है प्राकृतिक रूप से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, छठा जो है देश अगर बट गया, आप भारत देश में, आपका घर जो है पहले बांग्लादेश में था, अब भारत में आ गया तो आपको भी नागरिकता मिल जाएगी, है ना, और उसके बाद वही क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, ये 5 तरीके हैं जिससे नागरिकता मिलती है, ये 5 तरीके हैं जिससे कि नागरिकता मिलती है। चलिए उस पर जोड़ देते हैं। पहला है जन्म से, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा इसको, ये सारे टॉपिक्स समझने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे समझने वाले हैं। जन्म से 26 जनवरी 1950 देखिए, सबसे अंतिम कब हुआ था 2015, हम 2015 तक का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना, 26 सबसे अंतिम 2019 में हुआ था, लेकिन 2015 तक का जिक्र कर रहे हैं, 19 में केवल एक चेंज आया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पहले अगर कोई भारत में जन्म लिया है या और माता पिता को कोई भी कोई अगर किसी को भी नागरिकता है, माता या पिता को, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा माता पिता की नागरिकता जो है अनिवार्य है। अब देखिए, माता पिता का कोई भी नागरिकता हो, अगर भारत में बच्चा जन्म ले लिया, आपने प्रूफ कर दिया कि भारत में जो है बच्चा 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1947 के बीच में जन्म लिया है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, माता पिता की नागरिकता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इस अवधि से पहले या इसके बाद जन्म लिया है, तो माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, ठीक। तो ये जन्म के आधार पे हो गया, ये खाली आप ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, ये टाइम ड्यूरेशन 26 जनवरी 1950 ये तो याद रहेगा आपको, से 1 जुलाई 1947 के मध्य, इसमें माता पिता की नागरिकता की जरूरत नहीं है, खाली जन्म ले लिया भारत के अंदर तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन अगर इसके पहले या इसके बाद इस ड्यूरेशन से बाहर का बात है, तो माता पिता में से कोई का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अब देखिए वंश के आधार पर, वंश मतलब क्या होता है, जैसे पूर्वज हमारे थे, है ना, वंश बाई वंश चले, जेनेटिक चले आ रहे हैं, भारत के बाहर जन्म लिया, मान लीजिए कि मेरा बच्चा जन्म लिया फॉरेन में, हालांकि फॉरेन में जन्म नहीं लिया है, एक मान लीजिए भारत के बाहर जन्मा, लेकिन वंश तो उसका भारतीय है, उसके पापा भारतीय हैं, उसके बाबा भारतीय हैं, उसके दादा परदादा छरदादा तरदादा जो भी हैं सब भारतीय है, तो सब भारतीय हों, पिता की नागरिकता से ही उसका जो है उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन एक काम करना होगा, अगर वो काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा, क्या, तो जन्म के 1 साल के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर भारतीय कॉन्सुलेट में आपने 1 वर्ष के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उसको कोई बाप उसको नागरिकता नहीं दे सकता है, बस इतना याद रखिए, भले उसके पापा बाबा दादा जो भारत नागरिक, इससे ये माना जाता है, भारत ये मानती है कि अब 1 वर्ष तक नहीं करवाएं, इसका मतलब है कि 1 वर्ष तक बच्चा फॉरेन में रहा, यानी फॉरेन का नागरिकता उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो फिर एनओसी मांगने लगेगा, तो यहाँ पे 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीयन आवश्यक है उसको, भारतीय नागरिकता चाहिए तो, क्योंकि जिस देश में वो पैदा लेगा उस देश का भी तो नियम है कि आप जहां रह रहे हैं बच्चे का 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए या 6 महीने के अंदर करवा लीजिए तो नागरिक बन जाएगा, आप वहां भी नहीं करवा रहे हैं या वहां पे 1 साल से ऊपर रख लिया मतलब वहां हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ कैसे मिलेगा, इसीलिए कहा था कि 1 साल के अंदर भारतीय कंसुलेट में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए बच्चे का, अगर बच्चा देश के बाहर जन्म लिया है तो, ठीक, करवाते हैं सेलिब्रिटी लोग पंजीयन द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन क्या कोई भी कर लेगा, कोई भी देश का नागरिक आएगा, कोई भी आएगा, कोई भी जो चाहेगा वो जहां से आएगा रजिस्ट्रेशन करके ले लेगा, नहीं लेगा, रजिस्ट्रेशन करने की भी कुछ शर्तें हैं, जैसे भारतीय मूल का निवासी 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, एक कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 कि भारतीय मूल का निवासी, यानी मूल मतलब क्या होता है, बेसिकली वो है इंडियन, है ना, लेकिन हमेशा विदेश में रहा, जैसे कि सनी लियोनी है, सनी लियोनी को जानते होंगे आप लोग, है पंजाबी वो, लेकिन नागरिकता उसको कहाँ का है, विदेश का है, अब विदेश का नागरिकता है, अगर वो भारत में रहना चाहता है, पहले तो उसको 7 साल रहना पड़ेगा भारत में,
ठीक है, मान लिया मूल निवासी वो पहले थी, है ना, 7 साल पहले उसको और रहना पड़ेगा तब जाकर उसको रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद भारतीय मूल का है लेकिन अविभाजित भारत के बाहर अन्यत्र रहा हो, यानी कि भारत और पाकिस्तान छोड़ के कहीं दूसरा जगह रहा हो तो उसको ही मिल जाएगा। भारत में विवाह कर लिया, है ना, आवेदन से पूर्व 7 साल से भारत में है वो, है ना, और शादी कर लिया तो उसको तुरंत मिल जाएगा। यानी कुछ मान लीजिए 10 साल के वीजा पर आया है, काम कर रहा है, 7 साल से जॉब कर रहा है, यहाँ उसको लड़की पसंद आ गई कोई भारतीय, शादी कर लिया तो उसको वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, है ना, भारतीय नागरिक नाबालिग यानी कि अगर मेरा बच्चा अगर मान लीजिए कहीं पटना, कहीं हाजीपुर, कहीं भी अगर कोई भी ऐसा जगह अगर जन्म दिया या चेन्नई कहीं भी जन्म दिया तो ऑटोमेटिक उसको नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। लेकिन कैसे मिलती है? रजिस्ट्रेशन द्वारा। जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं ना, वही पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है बच्चे का, तब जाके उसको नागरिकता मिलती है। नहीं करवाएगा चुपचाप बैठ जाएगा ना, इसलिए सरकार भी जोर देती है भाई पहले रजिस्ट्रेशन कराओ आप 1 महीने के अंदर। अच्छा, किसी के माता पिता भारतीय हैं और 12 मास से भारत में रह रहे हैं तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। तो वो वंश के आधार पर था, है ना। अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से क्या है? क्या लिखा हुआ माथा पर आता है क्या वो नागरिक है भारत का? नहीं। देखिए क्या है, ऐसा देश से ना हो जहां भारतीय नागरिक धारण करने की मनाही हो, यानी कोई भी देश से हो लेकिन वो किसी ऐसे देश से ना हो जहां क्लियरली कहा गया हो कि अब भारतीय नागरिकता आपको नहीं मिल सकता है, तो उस देश के सम्मान में ये देश आपको नागरिकता नहीं देगा। अच्छा, आवेदन से पूर्व अन्य देश की नागरिकता का परित्याग हो जाना चाहिए। अगर नहीं किया है परित्याग, आप अमेरिकन हैं, आप लंदन वासी हैं, आप बांग्लादेश को तो मिलता ही नहीं है, आप मान लीजिए कि आप अफगानी हैं, आप किसी दूसरे देश के हैं, तो सबसे पहले वहां की नागरिकता छोड़िए तब यहाँ का नागरिकता मिलेगा। प्राकृतिक रूप से आपको वहां का नागरिकता से परित्याग करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई भारतीय सेवा में कार्यरत है कम से कम 12 मास से लेके 11 साल तक अगर वो रहा है भारत में तो उसको भी नागरिकता मिल सकती है। कम से कम जो है 12 मास से 11 साल तक, तो 11 साल यहाँ कम ये किया हुआ है कि 11 साल कम से कम, या 12 मास आप काट दीजिए 11 साल कम से कम। चरित्र अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप टेररिस्ट हैं, आप इराक से भाग के आ गए आपको नागरिकता चाहिए तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा का ज्ञाता है, कोई भी भाषा उसको आनी चाहिए भारतीय भाषा, तभी तो भारत में सर्वाइव करेगा, ये भी एक कंडीशन है। तो प्राकृतिक रूप से ये कुछ कंडीशन है जो कि भारतीय नागरिक बन सकते हैं। क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, हमने पिछले चैप्टर में हाल में चर्चा की थी कैसे बांग्लादेश और भारत ने अपने अपने एरिया को स्थानांतरण किया था। जो पहले से एरिया बांग्लादेश में था, मान लीजिए उसका कहीं किसी का पक्का घर होगा, अब उसको रजिस्टर कर दिया गया भारत के नाम पे, और भारत का एरिया बांग्लादेश के नाम पे रजिस्टर कर दिया गया, तो क्या होगा? अगर वो चाहेगा, उसकी सहमति होगी कि हमारा हिस्सा भारत में चला गया है तो हम भारतीय बन जाए, तो बन सकता है, नहीं तो जाओ बांग्लादेश छोड़ के। अगर उसकी इच्छा होगी कि नहीं हमको बांग्लादेशी रहना है तो छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उसके इच्छा के अनुसार उसका एरिया चला गया है भारत में तो ये क्षेत्र समाविष्टि हो गई, क्षेत्र के आधार पे जो है उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन घोषित हुआ है उसी दिन से उसका निबंधन शुरू होगा और 10 वर्षों तक उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, एक कंडीशन है। देखिए नया नया आएगा, मान लीजिए बांग्लादेश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भारत में चला आया, अब सारे लोग भारतीय बन गए, अब क्या करेंगे वो कि अब एकदम राजनीति पे उतर आएंगे, अपने पसंद का उम्मीदवार धाधर धाधर जो है बनाने लगेंगे, इससे क्या होगा क्षेत्र में अवस्था फैल सकती है, चूंकि वो पहले बांग्लादेशी थे इसलिए 10 साल तक उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। तो ये प्राकृतिक रूप से हो गया, क्षेत्र समाविष्टि रूप से हो गया। अब है नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। पहला तो कि आप स्वयं रिजाइन कर दिए, स्वैच्छिक रूप से आप क्या कर दिए उसका परित्याग कर दिए। दूसरा, बर्खास्त कर दिया गया आपको, मान लीजिए फर्जी तरीका से गलत डॉक्यूमेंट का यूज करके गलत इंफॉर्मेशन देके आपको नागरिकता मिली है तो उसका वंचित। अच्छा, वंचित कैसे होता है? वंचित तब होगा, जैसे ये बर्खास्ती तो तब होता है कि जब ऑलरेडी किसी देश के नागरिक बन गए हैं। अच्छा, यहाँ देखिए वंचित कैसे किया था, फर्जी तरीका उपयोग किया है, संविधान का अनादर किया है, युद्ध के दौरान आपने क्या किया है शत्रुओं से संबंध स्थापित किया, उनकी मदद की है, यानी मान लीजिए भारत पाकिस्तान लड़ाई हो रहा है, गद्दारी समझ जाइए, गद्दारी किए आप, इन्फॉर्मेशन कुछ लीक किए हैं, उनकी मदद किए हैं तो नागरिकता जा सकती है। पंजीयन या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष में अगर आप किसी देश में आप कोई क्राइम कर दिए जाके वहां आपको 2 साल की कैद हो गई तो नागरिकता खत्म। सामान्य रूप से अगर 7 साल तक बिना इंफॉर्मेशन के बिना अनुमति के आप भारत से बाहर रहे तब भी नागरिकता खत्म। तो ये कुछ
प्रावधान है जिससे आपकी नागरिकता जा सकती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था 2019 की, सब तो वही है। 2019 में एक प्रावधान इसमें जुटा था, इसको ध्यान से देखिएगा। 31 दिसंबर 2014 से ये 2019 में अधिनियम आया था, बीजेपी की सरकार थी। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहां से भारत आए, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, बहुत बवाल हुआ था इस पे, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, क्या इसमें मुस्लिम का नाम है? नहीं है। इससे बहुत बवाल हुआ था, क्यों इन लोगों, क्यों ऐसा माना जाता था कि इन सब कंट्री में ये जो धर्म के लोग हैं इन पे बहुत अत्याचार होता है, जनरली होता है, रियलिटी। तो इनको ये विशेष अधिकार दिया कि आप आइए भारत में, भारत में आपको जो है कम से कम 11 साल नहीं, कम से कम 5 साल रह जाएगा तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। यानी 11 वर्ष की जगह 5 साल कर दिया गया और इन सबको जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। ऐसा मतलब इजी प्रावधान किया गया, फ्लेक्सिबल रूल्स बनाए गए, है ना। इसमें हुआ कि भाई मुस्लिम क्यों नहीं आ सकते, तो वो तो वहां खुश हैं, सरकार ऐसा मानती है, है ना। ऐसी अवस्था दिखाई दी नहीं, इसलिए वर्ड नहीं लाया गया। इस पर काफी बवाल भी हुआ था, हालांकि ये पास हो गया और अभी ये नागरिकता अधिनियम 2019 से जाना जाता है। तो समझ में आ गया आपको नागरिकता अधिनियम क्या था। अच्छा, पढ़ते हैं ओसीआईसी के बारे में, ये एक एडिशनल टर्म है, एक अलग से हमें ये पढ़ना है। ओसीआईसी क्या है? विदेशी भारतीय नागरिकता। ये क्या होता है भाई, विदेशियों हैं, भारतीय नागरिक भी हैं। जब विदेशी लंबे समय तक भारत में रहना चाहते हैं किसी काम के लिए या किसी रिसर्च के लिए, तो उनको एक कार्ड दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं किया, पहले ओसीआई था, नागरिकता टेम्पोररी नागरिकता दी जाती थी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, है ना। अब क्या किया गया, इसको चेंज करके ओसीआईसी कर दिया गया, संशोधन किया गया, भारतीय विदेशी नागरिकता संशोधन, है ना। ये 2015 में हुआ, 9 जनवरी 2015 से प्रभावी भी हो गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब उन्हें एक कार्ड दे दिया जाता है, जैसे कैसे वोटर आईडी मिलता है, तो उनको भी एक वोटर आईडी टाइप का कार्ड मिलता है। इसको, इसके मिलने से क्या होता है, देखिए, अन्य देश का नागरिक हो परंतु संविधान लागू होने समय नागरिक बनने की अर्हता रखता हो, अथवा किसी भारतीय भूभाग से संबंधित हो। मान लीजिए किसी कहीं जगह काम कर रहा है और उसके पास सारा जो है उसके माता पिता थे, सब कुछ थे, लेकिन उसको टेम्पोररी चाहिए नागरिकता, सब कुछ था, उसको नागरिकता नहीं चाहिए, उसको टेम्पोररी ओसीआईसी चाहिए, तो ओसीआईसी वो आदमी ले सकता है। जनरली जो नागरिक बनने के लायक है वो ले सकता है। सीधे शब्दों में जानिए, नागरिक को का पौत्री हो, माने उसका पोता पोती हो, उसको ओसीआईसी चाहिए, उसको भी मिल सकता है। वो रहना नहीं चाहता है परमानेंट, वो नागरिकता उसको चाहिए नहीं, उसको ओसीआईसी कार्ड चाहिए टेम्पोररी लंबे समय तक भारत में रह के कुछ काम करने के लिए। अच्छा, अब यहां पे किसी अन्य कार्ड धारक से उसका विवाह हो गया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों बहन है, पाकिस्तान बांग्लादेश को ओसीआईसी की भी सुविधा नहीं है, टेम्पोररी भी नागरिकता उसको नहीं मिल सकती पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को। तो किसी अन्य कार्ड धारक से अगर विवाह हो गया, है ना, तो भी वो मिल सकता है। अच्छा, क्या अधिकार नहीं है, तो जितना अधिकार हम वहां पढ़े थे ना, जो कि भारतीय विदेशी नागरिकों को नहीं रहती है, इसको विदेशी माना जाता है, बस अनुमति मिल जाती है, तो वो सब इन लोगों को नहीं है। देखिए, सार्वजनिक रोजगार का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति नहीं बन सकते, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते, मत देने का अधिकार नहीं है, लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता नहीं ले सकते, विधानसभा विधायक नहीं बन सकते, या किसी विशेष भारतीय सेवा में नहीं जा सकते। ये प्रावधान है कि ये सब आपको नहीं मिलेगा, जो नागरिकता है प्रावधान है, यानी कहने वाला जिनको माना जाता है विदेशी नागरिक, ठीक है। ओसीआईसी का त्याग कैसे होगा, केंद्र सरकार ने कोई घोषणा कर दी तो आपसे छीन सकता है। नाबालिग बच्चा जिसे अन्य देश का नागरिकता मिल गया है, मान लीजिए कि आपका बच्चा पैदा लिया फॉरेन में, आप एक साल तक कुछ नहीं चुपचाप बैठल रह गए, तो उसको तो मिल गया वहां का नागरिकता, तो ओसीआईसी उसको खत्म हो जाएगा। उसको मिला भी होगा टेम्पोररी ओसीआईसी आपको, तो आपका ओसीआईसी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओसीआईसी कैंसिल कैसे होता है, फर्जी या धोखाधड़ी मामले से आपने किया है, शत्रु की मदद की, कहीं ना कहीं वहीं से नागरिकता से ही मिलता जुलता है, युद्ध के दौरान शत्रु की मदद की, 2 वर्ष तक भारत के बाहर सजा काटे, न्यायालय द्वारा आपका ओसीआईसी कैंसिल कर दिया गया, या किसी दूसरे नागरिक वाले से आप विवाह कर लिए, मान लीजिए कि आप यहां के हैं, आप अमेरिकन से शादी कर लिए, तो अगर ओसीआईसी कार्ड आपके पास होगा तो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यही है ओसीआईसी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। ये टेम्पोररी नागरिकता दी जाती है थ्रू द डॉक्यूमेंट, थ्रू अ कार्ड,
एक कार्ड के थ्रू। तो समझ गए नागरिकता चैप्टर आपको ध्यान से अपने, अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको कन्फर्स्ट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगती है प्लीज बताइएगा। सीरीज हम लेके चल रहे हैं, अगला चैप्टर जो है मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, मैंने यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये मैंने अभी तक नोट्स लिखा नहीं है, है ना, 12 से 35 है ना, मूल अधिकार सातवां चैप्टर है, ये सातवां अध्याय है, है ना, फंडामेंटल राइट्स। तो इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। कैसा लगा नोट्स जरूर बताइएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्लियर नहीं दिखता है तो वीडियो को हाई क्वालिटी में दिखेगा, आपको एक एक वर्ड दिखाई देगा। तो बनाइए नोट्स, पढ़िए ध्यान से यार, अगर कुछ करना है तो पढ़िए, इसको पढ़ लीजिए तो फिर कहीं संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लेके आएंगे फिर अगला चैप्टर आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू।